हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका। कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। एंड कांस्टेबल में सिविल पीसी, ठीक है, सिविल पीसी की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है कर्नाटका पुलिस का, ठीक है, कर्नाटका स्टेट पुलिस कांस्टेबल। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन हैं और हमारा जो कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर, जो जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। और ये पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में और इंग्लिश में, दोनों में मिल जाएगा। आप पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की जो हिस्सा नहीं है वो है आपका डाल्टन्स लॉ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग निपाह वायरस इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर, इन इंडिया फॉर अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए, यू नीड अ एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, डैश इज द बेसिक एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द वेरियस स्टेट इन लोकसभा, दैट इज द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जैसी होगी उस हिसाब से वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स का डिवीजन देखने को मिलता है। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इज वेस्टेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 324। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन द 26th of January 1950। जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट सिटिंग इज क्वेश्चन आवर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। सो यहां पर आपसे पूछा गया, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ओके। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश द पंचायत राज इन इंडिया, दैट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इलेवन की हम बात करें, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, तो ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, यहाँ पर जो है ना, नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, आपकी करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, माया डेवलप्ड बाय द DRDO, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर आती है इंश्योरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सो यहाँ पर वीकेस्ट फोर्स कौन सी है आपकी, फंडामेंटल फोर्स इनमें से नेचर वाइज, तो वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मेजर नहीं है। तो देखिए, माइल आपका डिस्टेंस का रहता है, लाइट ईयर डिस्टेंस का रहता है, यार्ड आपका डिस्टेंस नहीं होता, बट एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। जैसे हम लोग गज बोलते हैं, स्क्वायर फीट बोलते हैं, ये एरिया में हो गया, डिस्टेंस में कवर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। एक मिनट, यार्ड भी आई थिंक नहीं होना चाहिए ना, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, तो 16 नंबर में आपसे पूछा है, क्रोनोलॉजिकली आपको लगाना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 क्या था, उसके बाद 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर मॉडलिंग इंटू रिफॉर्म आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो 17 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये फर्स्ट सिविल सर्विस, मतलब पहले भारतीय थे जिन्होंने ज्वाइन किया था एज अ इंडियन सिविल सर्विसेज। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस साल के अंदर
कई सारे को पेपर के अंदर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार देखा है मैंने क्वेश्चंस को, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पर है? गुजरात की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी गोल्ड एट प्रेजेंट इन कर्नाटका? दैट इज रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 राज्यसभा से रिलेटेड है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूट क्वारम, नहीं 1/5 नहीं होता है यहाँ पर, होता है 1/10 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत, रॉन्ग पूछा गया था, बाकी स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 द रेगुलेटिंग रेगुलेटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इज सीबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IAS ट्रैक बेंगलुरु, इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोवाइड ट्रैकिंग सपोर्ट ऑफ ऑल द सैटेलाइट्स एंड लॉन्चिंग व्हीकल्स मिशन ऑफ इसरो, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 23rd नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोवर पेलोड ऑफ चंद्रयान 3? तो यहाँ पर है लेजर, लेजर इंट्रोड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द कर्नाटका? तो यहाँ पर होगा आपका दोदा अलाडा मारा, ये आपका नहीं है, बाकी तीनों आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नॉट पूछा गया था आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 CSIR NAL इन्होंने डेवलप किया है एयर बोट कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर वीड इन्फेस्टेड वाटर एंड मार्शी लैंड, उसे कहा जाता है जल दोस्त, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपसे पूछा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम इज टू बी इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन एज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 0 to 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इलेक्टर एज अ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज क्वालिफाइड इलेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन इट, तो दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 की बात करते हैं CERTIN हैज रेज एन अलर्ट विद अ हाई सर्विटी फॉर द मालवेयर अकीरा, अब यहाँ पर अकीरा क्या है, अकीरा है रैनसमवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डिजिटल रुपी होलसेल और डिजिटल रुपी रिटेल लॉन्च बाय द RBI एज अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस इन जुलाई 2023 इन ऑर्डर टू लोअर द प्राइस फॉर द कंज्यूमर इन द कंट्री, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पर पीस कीपर ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मिशन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ChatGPT वॉज डेवलप्ड बाई द OpenAI, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें तो द थर्ड कार्नेटिक वॉर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी, ये साइन मतलब ये खत्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1914 मैसूर लैंसर वॉज ऑर्डर टू टेक अ पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर मार्च टू द इजिप्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35 के बाद 36 इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द फीमेल बेबी आफ्टर इट इज बॉर्न दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर स्टार्टेड अंडर द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट केलासी फॉरेस्ट, तो यह है आपका अपिक्को मूवमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 सो वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मॉब बिहेवियर इज कॉल्ड एज राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 गारंटीड कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 एंड ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान विद द मीडिएटर ऑफ द रशिया दैट इज सोवियत यूनियन, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मैसूर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1891 वॉज स्टार्टेड बाय द के शिशाद्रिया सॉरी शेषाद्री अय्यर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन
लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर वॉज इस्टेब्लिश इन द 1907. प्यूरिफिकेशन रिचुअल इज द मेन एक्टिविटी ऑफ आर्य समाज. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द उड़ीसा. उड़ीसा से पास नहीं होती है. कल्टिवेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एज अ प्लांटेशन फार्मिंग. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ कागे बंगारा इन कर्नाटका, दैट इज कॉल्ड एज माइका. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, तो सोशल वेलफेयर इज नॉट अ नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर. नॉट अ नॉन प्लान, एक मिनट, नॉट अ नॉन प्लान ना, आई थिंक हाँ यही होगा, ऑप्शन सी ही होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. बैंक बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. कॉलरा इज कॉज्ड बाय द, 49 नंबर क्वेश्चन, कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर. अगला है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन. हरिहर एंड बुक्का, इन ये इन्होंने डायनेस्टी तो तुलवा की स्टार्ट करी थी, बट ये बिलोंग करते थे यहाँ पर संगमा डायनेस्टी से. विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली ये हरिहर एंड बुक्का दोनों क्या थे, ब्रदर्स थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मोनोलिथ, यहाँ पर होगा आपका मधुगिरी हिल्स. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग. मोहाना तारंगिनी वॉज कम्पोज बाय, दिस वॉज कम्पोज बाय 52 की हम बात करें तो ऑप्शन बी होगा कनक दासा. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड इन बेंगलुरु. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, और ये देखिए अभी यहाँ पर चार पांच क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल टाइप के हैं, तो इनका कोई सटीक आंसर नहीं है. तो ये जो चार पांच क्वेश्चन हैं लगभग 54 टू 57 तक, ठीक है, इन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ 57 तक के, बिकॉज दीज आर रिलेटेड विथ सम कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ से आप इन्हें मैच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, कई बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर अलग होगा, आयोग का कोई अलग होगा, तो आंसर्स मैच नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई, इस वजह से मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर देता हूँ जनरली. बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 58 पे. भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति बिल 2023 में आया था, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये आपको किसको रिप्लेस करेगा, ये बेसिकली आपका CRPC को रिप्लेस करेगा, ठीक है. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 59. इन द इवेंट हेल्ड इन कर्नाटका कमेंसरेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. टारगेट पॉपुलेशन ऑफ PM विश्वकर्मा स्कीम, इसका पॉपुलेशन मतलब जो एम है वो क्या है, वो है ट्रेडिशनल आर्टिजियन और क्राफ्ट्स पीपल के लिए. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इस क्वेश्चन का भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बट मुझे थोड़ी सी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ों को लेके, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली. आपने किया है करेक्ट आंसर तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को नहीं पता है तो मैं भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर लूँ आप लोगों से, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, संगीत तार्क कर्नाटका नाटका, ठीक है, जो भी है वर्ड, ये पर्टिकुलर ये वर्क किसका है, दिस वर्क इज रिलेटेड विद द सारंग देव का. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑनर्ड दोज हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ह्यूमैनिटेरियन वर्क विद, तो यहाँ पर होगा बसव पुरस्कार. ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. ओके, 64 से लेके आपके समथिंग 72 तक आपकी ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर देता हूँ. हम पहुँचते हैं सीधा 73 नंबर क्वेश्चन पे. सो 73 में आपसे पूछा है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो यहाँ पर आपका टू सिक्योर जस्ट ह्यूमेन एंड कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं आता, ठीक है, नॉट पूछा गया था आपसे. 74 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन, आपको बताना है करेक्ट वन बताना है आपको, है ना. तो देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए 6 होता है, ये आपका ये गलत हो गया, ये गलत है. शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के लिए 8वां शेड्यूल होता है, ये करेक्ट है आपका, करेक्ट पूछा गया है, और ये भी गलत है ना. तो ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 75. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
ओके, ये पूछा गया इसके अंदर है ना। तो यहाँ पर आपका होगा आंसर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच इज़ द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, दैट इज विजय नगरा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 76 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एंड देखिए QZSS नेविक एंड ये वर्ड, ये क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है बेसिकली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वाटर वेपर जो है इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस रहती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्डिंग टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। फॉल्स बतानी है आपको 79 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो फॉल्स आपकी ये रहेगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी तीनों आपके क्या हैं? करेक्ट वन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 टू 52 के बीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। इनकरेक्ट बताना है आपका, तो इनकरेक्ट आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लिखा है बोथ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, नहीं बोथ नहीं है यहाँ पर, तो गलत आंसर ये हो गया आपका ऑप्शन सी। 82 लिडार, लिडार क्या है? ये एक है रिमोट सेंसिंग मेथड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 83 की तरफ। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मेनी जजेस? यहाँ पर 34 जजेस हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल? तो आपका यहाँ पर आएगा आंसर सी। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर 84 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 85 नंबर की बात करते हैं। 85 में आपसे पूछा है करेक्ट वन, तो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है 1930, ये करेक्ट नंबर है। यूनी कैमरल लेजिस्लेटर कहाँ पर है? ये आपका केरला के अंदर, बाकी तीनों जगह बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। ओके, 87 के बाद 88 है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दैट इज बनाना। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पर। ओके, 1989 का बात करें तो यहाँ पर वीनस जो है वो आपका हॉटेस्ट प्लेनेट है, करेक्ट वन बताना है आपको। तो यहाँ पर सौर सत्याग्रह 1930 में हुआ था, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं आपकी? गलत हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम आयन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका व्हाइटिश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ना कि ग्रे कलर का, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पर। 93 की बात करें, स्पीड ऑफ द लाइट 3×10⁸ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड होता है बेसिकली। डैश इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। सो इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर। मिराज जो है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। ओजोन जो है आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रायतः देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, केमिकल बॉन्ड विच इन्वॉल्व्स इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाई टू एटम इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कहते हैं उसे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्रेनुलोसाइट? तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिल मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए, सॉरी न्यूट्रोफिल नॉट न्यूक्लियोफिल, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का। सो फोटोन डज नॉट हैव अ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। और हम कर रहे थे कर्नाटका स्टेट पुलिस का, कर्नाटका स्टेट पुलिस कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ है आपका। ठीक है, और सिविल मतलब सिविल पुलिस के लिए एग्ज़ाम हुआ था ये आपका। ठीक है, पीसी, एंड ये एग्ज़ाम हुआ आपका 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसके अंदर हमने जीएस के क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट किया है, उनके आंसर्स को, करेक्ट आंसर्स को मैंने बताने की कोशिश करी। अगर जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।